नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मनर्थ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के गढ़ाकूटा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ा गड़बड़ झाला हो गया। एक मुकेश साहू है सागर के, समाज सेवी है, बहुत सारे काम समाज सेवा के तौर पर वो कर चुके हैं, लेकिन उनकी करतूत से और उनकी कुछ बदमाशियां चालाकियों से सागर थोड़ा शर्मिंदा। मुकेश भाई साहब ने सैमसंग कंपनी की टीवी का ऑर्डर दिया और चाइना टाइप की टीवी दहेज में पकड़ा दी, जो दान दहेज मिलता है। साहब दुल्हनों ने जब टीवी खोली, सोचा कि सैमसंग कंपनी की है, बहुत उम्दा, लेकिन वो एक ही दिन टीवी चलता और ये सारी चीजें कलई जो है वो खुल। अब मुकेश भाई साहब के साथ एक और आरोपी जो है वो अभी हिरासत में है, पुलिस की जेल भी चली गई। लेकिन एक बात जरूर है कि मुकेश भाई साहब ने कमाल कर दिया। कौन है मुकेश भाई साहब, तस्वीरों के साथ देखिए। 1862 टीवी में क्या जबरदस्त चूना लगाया है, हमें तो शर्म आती है। मुकेश भाई साहब, तुमने ऐसा क्यों किया? देखिए खास रिपोर्ट यह देश बड़ा गजब है, गजब की जुगाड़ करने वाला देश है। जुगाड़ भी इतनी बदमाशी से करता है कि ओरिजिनल कंपनी भी इस जुगाड़ वाली कंपनी के आगे फीकी पड़ जाए। हिंदुस्तान के मध्य में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य में है सागर, और सागर में रहते हैं मुकेश साहू, जिन्होंने गुरु इतना गजब कमाल किया है कि बदमाशी कहीं भी होगी इनके पैर छूने, जेल में जी रहे तो जेल में आएगी, घर में जमानत पर छूट कर आए तो घर आएगी अंगूठा चूस के। अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या नक्शा, हम आपके घर को बनाएंगे सपनों का घर, वो भी उच्च गुणवत्ता और वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। अब हम पूरा मांजरा बताए देते हैं और मुकेश साहू और उनकी पत्नी की करतूत भी बताए देते हैं। मार्च का महीना चल रहा था, सागर जिले के गढ़ाकोटा में 2100 कन्याओं की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादियां संपन्न हुई। सरकार की तरफ से उपहार दिए गए, उसमें कलर टीवी शामिल थी, और टीवी किसी और की कंपनी की नहीं बल्कि जापान की जानी मानी सैमसंग कंपनी की यह टीवी थी। बस यही कमबख्तों ने झोला कर दिया, भ्रष्टाचार को पूरा पूरा पोला कर दिया। मुकेश भाई साहब की कंपनी है एसआर के इंटरप्राइजेस, जो उनके पत्नी के नाम पर दर्ज है। जिस कंपनी को 1,62,00,000 का टीवी खरीदने का टेंडर मिला और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में टीवी आई दिल्ली से। अब दिल्ली के राजू गुप्ता भाई साहब ने यह सप्लाई की थी टीवी के कार्टून सैमसंग कंपनी के थे, लेकिन उस कार्टून के अंदर जो टीवी थी वो दिल्ली मेड थी अंगूठा चूस के। मुकेश भाई साहब यानी मुकेश साहू की पत्नी के नाम पर यह कंपनी है, जिनका नाम प्रीति साहू है। शादी में टीवी देने का काम इन्हें ही मिला था। सैमसंग कंपनी की टीवी दूल्हा दुल्हन 24 घंटे तक खूब उछल उछल के देखे। जापान की कंपनी की टीवी मिली है। गोपाल भार्गव भी खुश हो गए कि सैमसंग कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। 48 घंटे तक दूल्हा दुल्हन ने टीवी चलाई, लेकिन टीवी चिल्ला उठी कि कमबख्तो, हम सैमसंग कंपनी के नहीं हैं, हम तो दिल्ली मेड के चोर बाजार की कंपनी की टीवी हैं, जो कभी भी बिगड़ सकती हैं। करोड़ों का घोटाला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामने आ गया। मुकेश साहू की जलेबी भरी सोच को हम प्रणाम करते हैं, दिमाग में बहुत फितरती रस भरा है। उनकी पत्नी की दिलेरी को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने कोई आम आदमी को चूना नहीं लगाया बल्कि सरकार के साथ गोपाल भार्गव की शादियों को चूना लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, दो लोगों को जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण में पंजीबद्ध अपराध के बाद हमारी टीम के द्वारा दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें वर्तमान में स्थानीय स्तर से जो मुकेश साहू हैं, जिन्होंने टीवी का टेंडर किया था और सप्लाई किया था, जो सैमसंग टीवी के नाम से एक लोकल ब्रांड या जो असेंबल टीवी है वो प्रदाय किया गया था, उस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके द्वारा जहां से ये इस तरह की कूट रचित टीवी प्राप्त की गई है, उसमें भी एक अन्य आरोपी जो है दिल्ली से राजू गुप्ता, जिनकी गिरफ्तारी की गई है।
अभी प्रकरण विवेचना में अन्य सभी बिंदुओं पर भी इसमें गहनता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीवी मामला है सर, कितनी टीवी दी गई है? इसमें कुल जो FIR में आया था 1862 टीवियों का इसमें वितरण का मामला आया है। इसमें जब हम लोगों ने इनके जो ऑर्डर के दस्तावेज भी सर्च किए हैं तो लगभग लगभग 1902 टीवीज का इन्होंने ऑर्डर दिया था और उसमें से 1862 टीवी यहाँ डिलीवर की हैं। अन्य टीवियों के संबंध में या इससे रिलेटेड अन्य भी जो कोई यदि कोई और ऑर्डर हैं या अन्य डिटेल्स हैं उनको विवेचना में लिया गया है और जांच अभी जारी है। अमाउंट इसमें लगभग जो है 1,43,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन या जो टेंडर अमाउंट है वो था और इस अमाउंट को जो स्थानीय जो सप्लायर है उसने दिल्ली की फर्म को भेजा था और दिल्ली के फर्म के द्वारा फिर टीवी सप्लाई की। मुकेश भाई साहब जेल गए तो बीमार हो गए हैं, इसलिए जेल से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, लेकिन मुकेश भाई साहब को हम धन्यवाद देंगे। सागर का नाम उन्होंने बदमाशी में, जुगाड़ में रोशन कर दिया। सेंसुई कंपनी के कार्टून में दिल्ली में टीवी रखकर उन्होंने जलवा बिखेर दिया, वो भी गड़ा कूटा। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।